अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बनाएंगे ब्रेड समोसा। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है। जब भी आपको समोसे खाने का दिल हो तो आप इसको 10 मिनट्स में बना के खा सकते हैं। और ये ब्रेड समोसे वाकई बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप सबको मेरी मिलती रहेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए लें 2 मीडियम साइज बॉइल्ड पोटैटोज, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रोस्टेड क्रश्ड कोरिएंडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 चॉप्ड अनियन, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स। एक पैन लीजिएगा, उस पर ऐड कर दिएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को जो है वो थोड़ा गर्म होने दीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद ऐड कर दिएगा ज़ीरा। इसी के साथ ऐड कर दिएगा बारीक कटी हुई प्याज और इन सब को, इन दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लीजिएगा कुछ सेकेंड के लिए कि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसको इतनी देर तक रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड कर दिएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी इसके साथ कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। फिर ऐड कर दिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लिएगा सारी चीज़ों को। उसके बाद ऐड कर दिएगा उबला हुआ आलू, उसको अच्छे से मैश कर लिएगा। उसके बाद इस पर ऐड कर दिएगा और इन सब चीज़ों को भी जो है अच्छे से मिक्स कर लिएगा कि इस पोटैटो में अच्छे से सारे स्पाइसेस जो है वो मिक्स हो जाएं। इस तरीके से इसको मिक्स कर लिएगा और फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। और देखिए पोटैटो स्टफिंग जो है वो बन के रेडी हो गई है। उसके बाद एक ब्रेड स्लाइस लीजिएगा और इसके साइड के पार्ट को इस तरीके से कट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको बेलन से बेल लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद इसको बीच में से कट कर लीजिएगा और इसके साइड के पार्ट को भी इस तरीके से कट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका एक समोसे शेप में बनाएंगे। साइड में अप्लाई कर दिएगा वाटर कि सील जो है वो आसानी से हो जाए और इसको इस तरीके से सील कर लिएगा। अच्छे से प्रेस करिएगा इसको। फिर ऐड कर दिएगा 1 टेबलस्पून स्टफिंग। ज़्यादा स्टफिंग ऐड नहीं करना है वरना तलते टाइम स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद अप्लाई करिएगा थोड़ा वाटर और इसको इस तरीके से सील कर लिएगा। अच्छे से प्रेस करिएगा कि अच्छे से समोसा जो है वो सील्ड हो जाए। उसके बाद मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। साइड में अप्लाई करिएगा इस तरीके से वाटर, फिर इसको इस तरीके से शेप में, कोन के शेप में करिएगा और इसको अच्छे से प्रेस करिएगा जहाँ पे अप्लाई किया है वाटर। फिर ऐड कर दिएगा स्टफिंग। उसके बाद साइड में अप्लाई करिएगा वाटर और इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। ये देखिए कितना आसान था इसको बनाना। देखिए समोसे बनके रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे, उसको बीट कर लिया है और लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब इसको समोसे को पहले डिप करिएगा अंडे में इस तरीके से, उसके बाद इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से। इससे बहुत क्रिस्पी से जो है वो समोसे बनते हैं। ये ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट करते टाइम बहुत ही क्रिस्पी सा ये समोसा बनेगा। तो आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। ये देखिए सारे समोसे बनके रेडी हो गए हैं। आप इसको इस टाइम पे स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिएगा। आप अभी रमज़ान आ रहे हैं, आप इसको रमज़ान से पहले बना लें और स्टोर करके फ्रीज़र में रख लें और इफ्तार के टाइम बस आप इसको फ्राई करें और आपको इतनी टेस्टी सी रेसिपी बिल्कुल रेडी मिलेगी। उसके बाद एक पैन लीजिएगा, उस पर ऐड करिएगा ऑयल और ऑयल को जो है वो थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्राई कर लीजिएगा इस तरीके से।
और इसको मीडियम टू हाई टेम्परेचर पे इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। ये ब्रेड के समोसे हैं तो इसका कलर बहुत जल्दी आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी से कितनी मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी हो गई। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो आप लोग भी इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे कोई नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।